हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए दो ओमेगा की लव स्टोरी के पार्ट 3 यानी लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस पार्ट्स में देखा था कि लैन चिरेन ने लैन शुशे के साथ क्या कन्वर्सेशन की थी और बाद में लैन शुशे और वांगजी की कन्वर्सेशन को हमने देखा था। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वांगजी के आंखों से आंसू उसके किनारों से नीचे बह रहे थे। शुशे वांगजी के साथ 4 बार इंटीमेट हुआ था, पर इन 4th राउंड में वो वांगजी के साथ जेंटल नहीं था। वो वांगजी के साथ इस तरह इतनी ब्रूटली ये सब कर रहा था जैसे कि वो कोई भूखा भेड़िया हो और वांगजी उसका कोई मील हो। उसने भूखे भेड़िए की तरह वांगजी की पूरी बॉडी को नोचा था, मानो वांगजी की बॉडी पर इतने बाइट्स मार्क थे जैसे एक भूखे भेड़िए ने अपने खाने को नोच नोच कर खाता है, तब वैसे निशान बनते हैं। वैसे ही शुशे ने भी वांगजी के साथ बिहेव किया था। अब शुशे सेटिस्फाई हो गया था तो वह अपने क्लोथ्स वेयर करता है और वांगजी को अनटाई करके चला गया। उसने वांगजी को उसको देखा तक नहीं कि उसकी कैसे सिचुएशन है, वो किस हाल में है। शुशे के जाने के बाद वांगजी बस बेबसी से रो रहा था। 2 से 3 घंटे बाद जब वांगजी को खुद पर सेंस आती है तो वो अपने कपड़े पहनकर बाथरूम में चला गया। वो खुद को रगड़ रगड़ कर साफ कर रहा था। वो अपने बॉडी से शुशे के घिनौने स्पर्श को हटाना चाहता था। वो दीवार के किनारे सट कर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उधर विंग भी जियांग चेंग को अपने से दूर हटा रहा था। कुछ देर बाद जब जियांग चेंग भी विंग के ऊपर से हट गया और दूसरे कमरे में चला गया, वहाँ जाकर जियांग चेंग भी रो रहा था। विंग अपने कमरे में अपने लेग्स और हैंड को मोड़ कर रो रहा था। अब सीन दूसरे कमरे में शिफ्ट होता है जहाँ जियांग चेंग रोते हुए कह रहा था, विंग मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे प्यार को क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दिन बीतने लगे थे। अब जियांग चेंग ने कभी उस दिन के बाद से विंग के साथ इंटीमेट नहीं हुआ। वो विंग के पास नहीं आता था। जियांग चेंग को उस रात विंग के साथ सब कुछ करने का रिग्रेट था। अब वह पछता रहा था। दूसरी तरफ वांगजी की हालत दिन पर दिन बदतर हो रही थी। शुशे हर रोज उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता था, उसकी बोन्स को तोड़ता था। अब 4 मंथ बीत चुके थे। एक दिन विंग को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो
उसे बहुत बुरा लगा। जियांग चेंग बहुत खुश हुआ था उस समय। उसने विंग के चारों तरफ मेट्स लगवा दी थी ताकि विंग इस बच्चे को मार न सके, और वे मेट्स विंग का सारा काम किया करती थी। उसके क्लोथ से लेकर उसको कैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए, वो सब का ध्यान मेट्स रखा करती थी। दूसरी तरफ वांग जी को भी पता चला कि वो भी प्रेग्नेंट है, तो उसकी तो पूरी दुनिया बिखर गई थी। समय बीतने लगा था। अब विंग और वांग जी की बेली शो हो रही थी। वे दोनों अब 6 मंथ से प्रेग्नेंट थे। विंग के अनबोर्न बेबी ने जियांग चेंग को उसके आसपास आने नहीं दिया। उधर वांग जी का अनबोर्न बेबी भी शूशे को वांग जी के पास आने नहीं देता था। जब भी शूशे वांग जी के पास आता था तो बेबी किक करने लगता था। और उधर जब जियांग चेंग विंग के पास आने की कोशिश करता था तब भी विंग का बेबी किक करता था। एक दिन वांग जी से मिलने उसका बड़ा भाई शिचैन और मैंग्याओ आए थे। जो मैंग्याओ शिचैन का स्पाउस था, या आप पार्टनर भी समझ सकते हैं। उन्होंने वांग जी को विंग से मिलवाना तय किया। अब शिचैन और मैंग्याओ विंग से मिलने भी गए थे। वे दोनों जियांग चेंग के बहुत क्लोज्ड फ्रेंड थे, तो जियांग चेंग को उन दोनों पर डाउट नहीं हुआ। दोनों अपने प्लान को विंग को भी बताते हैं। विंग भी एग्री हो जाता है। आफ्टर 1 वीक शिचैन वांग जी को लेने और मैंग्याओ विंग को लेने गए थे। दोनों ने शिचैन ने शूशे को ये बोला था कि वे वांग जी को लेकर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ मैंग्या ने जियांग चेंग को सेम रीज़न दिया था कि वो विंग को प्रेगनेंसी की शॉपिंग के लिए मार्केट लेकर जा रहे हैं। तो लैन शूशे और जियांग चेंग दोनों एग्री हो गए थे। दोनों अब चारों एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों ने शिचैन और मैंग्याओ ने पहले ही उन चारों की टिकट करवा ली थी। वे चारों इस समय अब हॉलैंड जाने वाले थे। अब दोनों प्लेन से होते हुए हॉलैंड चले गए। जब तक जियांग चेंग को विंग की मिसिंग और लेंस को वांग जी की मिसिंग का पता चला, तब तक शिचैन और मैंग्याओ वांग जी को लेकर बहुत दूर जा चुके थे। वे अब हॉलैंड पहुंच चुके थे। उन चारों ने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स बंद कर दिए थे, अपने पुराने सारे कॉन्टैक्ट्स बदल दिए थे, जिससे कि उनके पास कोई पहुंच ना सके। चारों ने हॉलैंड में एक दूसरे से मैरिज कर ली थी। शिचैन ने मैंग्याओ से लीगली मैरिज कर ली थी, और वांग जी ने विवुशैन के साथ मैरिज कर ली थी। जिन्होंने ये मैरिज करवाई थी, यानी
वो प्रीस्ट, चर्च का प्रीस्ट, उसके लिए ये केस बहुत न्यू था जिसमें दोनों ओमेगा थे और दोनों प्रेग्नेंट भी थे। और दूसरी तरफ शिचैन और मैंग्या दोनों अल्फा थे। अब टाइम ऐसे ही बीतने लगा था। अब विंग और वांग जी ने बेबीज को बर्थ दे दिया था। विंग ने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया था और वांग जी ने ट्विंस बेबी को बर्थ दिया। वांग जी ने अपना एक चाइल्ड अपने ब्रदर को दे दिया था ताकि वे भी चाइल्ड की परवरिश कर सके, वे भी पेरेंट्स बन सके और पेरेंट्स होने की फीलिंग को महसूस कर सके। समय ऐसे ही बीतने लगा था। वांग जी और विंग अपने साथ खुशी खुशी रह रहे थे। बेबीज अब 5 साल के हो चुके थे। उन्हें अपनी दोनों ओमेगा मदर बहुत पसंद थी। उन्होंने कभी भी अपनी मदर्स को हेट नहीं किया कि वे दोनों ओमेगा हैं और दोनों ने एक दूसरे से मैरिज कर ली और साथ साथ रह रहे हैं। शिचैन और मैंग्याओ ने अपनी एडॉप्टेड डॉटर का नाम शी मेंग रखा था, जो कि जिसे वांग जी ने ही शिचैन को दिया था। वांग जी और विंग के बेबी बॉय का नाम युआन था और डॉटर का नाम शिन था, जो दोनों विंग के बेबीज थे जिन्हें विंग ने बर्थ दिया था। तीनों एक साथ हॉलैंड के XYZ स्कूल में पढ़ते थे। वे अभी अपनी फर्स्ट क्लास में थे। उधर जियांग चेंग और लेंस को 8 साल बाद चारों का पता चला। सभी हॉलैंड आते हैं। जियांग चेंग ने भी अब विंग को डाइवोर्स दे दिया था और शूशे ने भी वांग जी को डाइवोर्स दे दिया और वे दोनों उनकी लाइफ से दूर चले गए। लैन चिरैन को भी अपनी गलती का बहुत रिग्रेट था। वो अब बहुत शर्मिंदा था। उसने अपना पूरा परिवार, सोसाइटी और अपने सेल्फिश नेचर के कारण तोड़ा था। उसने चारों को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था और वो भी चारों के साथ अब और अपने पोते पोतियों के साथ हॉलैंड में ही रहने लगा था। शिचैन एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करने लगा था। मैंग्या और विंग एक एनजीओ चलाते थे जो कि LGBT सोसाइटी को सपोर्ट करती थी और जो लोग LGBT को एक्सेप्ट करते थे उनको फुली सपोर्ट किया करती थी और वे दोनों ज़रूरतमंद बच्चों, औरतों और लोगों की भी मदद किया करते थे। वांग जी एक पोएट्री शॉप चलाता था। सभी हॉलैंड में खुशी खुशी रहने लगे थे। कभी कभार हॉलीडेज में पूरा परिवार अलग अलग देशों में जाया करता था। करीबन 2 से 3 बार वे चाइना भी आए थे और कुछ वीक्स बिताने के बाद दोबारा हॉलैंड चले गए। तो इसी के साथ हमारी दो ओमेगा की लव स्टोरी का दी एंड होता है। और हाँ गाइस, अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ कि मैंने 25 डेज से वीडियो क्यों अपलोड नहीं किया। पहला रीज़न, मैं एक कॉलेज गई हूँ तो मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं। और दूसरा, मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो इस समय हमारे एरिया में, मतलब
क्रॉप्स की कटिंग का सीजन है, तो इस समय मैं क्रॉप्स काट रही थी और जिस कारण मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था कि मैं वीडियो बना पाऊँ और उनको अपलोड कर पाऊँ, और कई बार मुझे कॉलेज भी जाना पड़ता था। तो कॉलेज का काम और फार्मिंग वर्क करने के बाद मैं बिल्कुल टायर्ड हो जाती थी। सो मैं इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो चलिए अब मैं आपके साथ अगली स्टोरी में मिलती हूँ, जो कि एक वांगशन FF होगी, जो बेस्ड होगी माफिया से रिलेटेड होगी।